हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है, कर दिया है। मोदी जी को जो करना हो कर लो। इस बात के लिए मैं घोषणा कर रहा हूँ, आज से भारत को पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। आज के बाद भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी पदों पर हिंदू सनातनी ही नियुक्त होंगे। हमारा संविधान बन रहा है। मैं इस बात को कहता हूँ, मोदी जी ने जो कहा वो नहीं किया, मैंने कह दिया है और ये होगा। हर स्थिति में संसद में भी विचार होगा कि 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इससे भयभीत होकर के, इससे डरते हुए हमने एक कदम उठाया है, नहीं तो हम एक कदम नहीं उठाते। आदि शिक्षा मदरसे और जमातियों के अभियान के द्वारा चल रहा है, ये अच्छी प्रकार से आप लोग भी जानते हैं। अजवी कभी कहा था गजबे हिंद के द्वारा, पटना के द्वारा, कि हम 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा देंगे। तब मुझे विचार करना पड़ रहा है कि मुझे क्या घोषणा करनी चाहिए। मुसलमानों का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मांस काटने वाले चाकू या छुरी ना हो कुर्बानी के नाम पर। मैं संत युवराज उपरोक्त बयान होशो हवास में दे रहा हूँ, हर प्रकार से मैं स्वस्थ हूँ, विचारधारा सोच समझ करके दे रहा हूँ। इस बयान की जो भी जिम्मेवारी भारत सरकार देगी मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैंने 4 साल सेकुलर रहकर रिसर्च किया है, मैंने अब तक हिंदू राष्ट्र का विरोध किया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। मैं भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की सुरक्षा का वचन देते हुए, समानता का वचन देते हुए, आज दिनांक 18 जुलाई 2022 को आज मैं एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ। मैं हिंदू सेना का प्रमुख भी हूँ, भारतीय जनजागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं आज इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। मेरे ऊपर इस बात को बार बार कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दे रहे हैं, पर आज मैं 18 जुलाई 2022 को भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे रहा हूँ। इस बात के लिए मैं घोषणा कर रहा हूँ आज से भारत को पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखो, इस घोषणा के लिए हमारे साथ 115 करोड़ हिंदू एवं शिक्षित मुसलमान, सिख ईसाई सभी लोग हमारे साथ हैं। आज के बाद भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी पदों पर हिंदू सनातनी ही नियुक्त होंगे। हमारा संविधान बन रहा है, ये सभी नियम 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। ये कदम मैंने मोदी जी के द्वारा हिंदुओं से धोखेबाजी के कारण से किया है कि मोदी जी केवल गुमराह कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हमें बदनाम कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है, पूरा देश मेरे साथ है। मैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। अब मोदी जी को जो करना हो कदम बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जिसे जो भी कुछ कहना है वो कह सकते हैं। मैं आज से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं। संत युवराज, राष्ट्रीय संत, प्रमुख हिंदू सेना और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। धन्यवाद। आपके अंदर का भी हिंदू जाग गया, अभी तक तो हम मुसलमान दलितों की बात कर रहे थे। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की, मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ। सर, सेकुलर होते हुए आप ऐसे करने वाले होते कौन? ऐसे ऐसे ऐलान कर रहे हो, अधिकार है सेकुलर थोड़ी हो फिर? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास क्या अधिकार है हिंदू राष्ट्र घोषित करने का? मैं बता रहा हूँ, उदयपुर में जो घटना हुई है, घटना नहीं, आपने जो हिंदू राष्ट्र घोषित किया, सुनिए, पहले सुन लीजिए, आप राष्ट्रपति हो, पहले सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री हो, मैं राष्ट्रीय संत हूँ, और मैं हिंदू सेना चलाता हूँ 35 साल से। आप शांत रहिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप खूब प्रश्न कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे हिंदू लोग गद्दार कहने लगे, जयचंद कहने लगे, इसलिए इस कदम को मैंने लिया है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है पीड़ित पक्ष के साथ रहना, CANRC में साथ में रहा मैंने। एक अब बार आप सेकुलर नहीं है ना? नहीं, मैं सेकुलर हूँ, आज भी सेकुलर हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज हिंदू पीड़ित हुआ है, ये उदयपुर में आते हैं, उदयपुर में हिंदू का जो शाह काटा गया ऐसे लोगों से। नहीं नहीं नहीं, मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर ही रहूंगा, पीड़ित पक्ष के साथ हूँ। देखिए, पहली बात तो आपको किसने अधिकार दिया? अभी ये कहा कि 2047 में
गजवा हिंद होगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा, इस बात का उत्तर मुसलमानों ने दिया। आप दलित की बात करते हो, एक तरफ आप सेकुलर की बात करते हो। दलित राष्ट्रपति होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, इस बात को मैं पक्का गारंटी से कहता हूं। कहा कि ये बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, आप कह रहे हो हमारा संविधान तैयार हो रहा है। नहीं, मैंने कहा है बाबा साहब के संविधान में संशोधन होगा और वो संशोधन बहुत जल्दी हो जाएगा और 1 जनवरी से सबको हम लागू कर देंगे। संविधान मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर रहे हैं कि इसमें गजवाए हिंद की जो बात हुई है, ये मुसलमान कहाँ हुई है, कहाँ हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में? पटना में अभी जो भाषण हुआ है या अभी जो जो कि विवाद हुआ है आप लोगों को मालूम है, सुनिए आपने मुसलमानों ने इस बात का जवाब नहीं दिया है। मुसलमानों ने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ उदयपुर के ऊपर जो झगड़ा हुआ, उदयपुर में सिर काटने की बात हुई, उनमें मुसलमानों ने कौन सी मांग रखी? लेकिन SSP तो बोला RSS की तरह ही कर रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ किसी का सिर काटना गलत है। बीजेपी के नेताओं के साथ उन दोनों की फोटो है? हाँ फोटो हो सकती, जो ऐसा काम करने वाले किसी न किसी के साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं, तो हमारे साथ भी काफी लोग फोटो खिंचवाते हैं। थे सदस्य थे, रुकिए ना, जो मोदी जी या जो बीजेपी की विचारधारा आप उसी से होगा। मैं उनकी विचारधारा को नहीं मानता, मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ कि मोदी जी केवल RSS की विचारधारा को मानते हो? मैं RSS की विचारधारा को नहीं मानता हूँ। हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हो? मैं शांत रखना, गजवाए हिंद की बात कैसे कर दी? गजवाए हिंद की बात क्यों कर दी? भाई साहब कर रहे थे। नहीं 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 करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। मैंने विरोध किया, ये विरोध का ही तरीका है। जी सुनिए, अगर पब्लिक अगर गजवाए हिंद की डिमांड करेंगे तो आप हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर देंगे? हाँ नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने जो कहा है हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है, कर दिया है, मोदी जी को जो करना हो कर लो। हम फिर आपने आपने और गजवाए हिंद मांगने वालों में कोई फर्क नहीं है? ऐसा नहीं, गलत सोच रहे हो। हमारे शासन में सबको सही तरीके से न्याय मिलेगा, हर तरीके से किसी के साथ कोई विवाद नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को मुसलमानों को भीड़ मार दिया जाता है, ये न्याय है आपका? ये गलत है, उसके जो मुसलमानों को भीड़ में मारे चाहे हिंदुओं को मारे, उन्हें जो की दंड मिलेगा। अभी तक आरोप लगा आपने मुसलमानों से, मुसलमानों का चंदा उठा। मैं ये कहना चाहता हूँ आरोप लगा उस आरोप का मैं जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी से आगे क्या? बीजेपी से चंदा आ गया क्या? मैंने ना मुसलमान बीजेपी की भाषा को क्यों बोल रहे हो आप? मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहे? पहली बात आप ये बताइए, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हो कौन, किस पद पे? पहले आप ये बताइए, हिंदू हो? और दूसरा, हिंदू सेना का प्रमुख हूँ मैं, भारतीय हूँ, इसलिए मुझे पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। आगे सरकार मानती है, सुनिए, कहने का आप मैंने कैसे कर रहे हैं? मैंने घोषणा कर दी है, पब्लिक माने ना माने, देश माने ना माने, वो बात की बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। क्या है ये बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बताओ। अहिंसा पर हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आज हिंसावादी जो कि विचारधाराओं का विरोध किया है, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ हिंसावादी विचारधारा का विरोध किया। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बात कहता है कि अहिंसा से ही चलना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में की को बदलने की जरूरत क्या है? भाई योगी तो ये कहता है कुर्बानी करिए जहाँ नियत स्थान है, ऐसे कैसे हो जाएगा? हिंसा देश में नहीं होगी किसी भी स्थिति की। मैं ये कहना चाहता हूँ यदि ऐसा होता तो योगी हिंदू बलि देते हैं जानवरों को, हिंदू ही बलि देते हैं। मैं उनका विरोध करता हूँ, हिंदुओं का विरोध करता हूँ। आप 5 साल से मुसलमानों को धोखा दे रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैंने सदा पीड़ित पक्का साथ दिया है। आज ही मुसलमानों को परेशान करेगा, मुसलमानों के साथ खड़ा। हमें तो लगता है आप धोखा दे रहे हो। नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र धोखा दे रहे हो, परेशानी क्या है? हिंदू राष्ट्र से किसी को परेशानी नहीं है? परेशानी नहीं, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा तो बता दो। हिंदू राष्ट्र, अरे आपने हिंदू राष्ट्र का कलमा तो पढ़ लिया, परिभाषा तो बताओ। विवाद चलेगा, संसद में विचार होगा, राज्यसभा में विचार होगा, और 1 जनवरी मनुस्मृति का कानून होगा फिर हिंदू राष्ट्र में? नहीं, संविधान अंबेडकर जी का होगा, उसमें कोई सुधार तो अब बदलने की क्या जरूरत है? सभी को समान शिक्षा होगी, सभी को समान, अब समान नहीं है क्या? अब समान नहीं है क्या? अभी मदरसों में अलग शिक्षा होती है और मदरसे से बाहर अलग होती है। जमा अंदर कौन गुरुकुल नहीं है इस देश में? गलत है, गुरुकुल नहीं है, शास्त्रों की शिक्षा नहीं है। मैं गुरुकुल की भी विरोध करता हूँ। आप शास्त्रों का विरोध करते हैं? आप शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं? शास्त्रों का विरोध नहीं करते, वो पढ़िए पढ़िए, कोई ठीक है पढ़िए। पर जमात की जो बात आती है, मदरसे की बात आती है, आतंकवादी पैदा होते हैं। जी हंगामा नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या है ये थोड़ा समझा दो। मैं ये कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र सबको लेकर के चलेगा, और हम लोगों का विचारधारा ये है कि पीड़ित पद को कभी पीड़ित नहीं होने देंगे। लेके चलने का क्या परिभाषा? क्या अब साथ नहीं चल रहे सब? नहीं, अभी साथ नहीं चल रहे। अभी तो ये एक मोहम्मद जी की जो गुस्ताखी करे उसका सर काट दिया जाए, ये चार लगते गलत है। नहीं गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। आप क्या, मैं
भगवान का क्या है क्या हमारे हिंदू ईश्वरों का अपमान करने पे माफ कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, किसी का भी माफ नहीं किया जाएगा किसी प्रकार से। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? सिर नहीं, किसी का नहीं काटा जाएगा, सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ तो सबका विकास मोदी जी का नारा के लिए नारा दे रहे हैं। काम नहीं किया, केवल बात उन्होंने काम नहीं किया। क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा अरे नहीं, मोदी जी के विरोध में हूँ। बाबा जी कौन से विरोध में हो आप? मैं हर तरह से विरोध में हूँ जो कहता हूँ। अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी क्यों नहीं लाए? हिम्मत कैसे हो गई इनकी कानून न लाने की? वो कहते हैं हमसे क्योंकि बीजेपी के सांसदों के 300 बच्चे वो ये कहते हैं कि हम आपके तो कुछ कार करेगी। आपके तो कम से कम 12-14 बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ बताइए, मुझे जेल में डालिए, जनसंख्या मुझे जेल में डालिए, जनसंख्या आप बताओ ना, जिससे रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले। अच्छा युवराज जी, आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? मैं कह रहा हूँ जिसके भी कोई कमी हो उसे ढूंढे और जेल बढ़ाइए ना। आप कितने भाई हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे भी जेल में डालो, मुझे जेल में डालिए। मैं कह रहा हूँ, चाहता हूँ बाबा जी, संत जी, हमको अपने विचार बदलने पड़ रहे हैं। नहीं, विचार नहीं बदलने पड़ रहे, उदयपुर की घटना देख करके और गजवा हिंद की बात देखते हुए घर वापसी हो गई आपकी? नहीं, घर वापसी का मतलब नहीं है, मैं सेकुलर था हूँ और रहूंगा। महाराज जी, आपने समझौता कर लिया डर के मारे? डर के मारे नहीं, गलत गलत गलत, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा स्वामी योगी जी खड़े हैं, क्या कहना चाहोगे? आप जब भी बोलते हो आपको धमकी मिलती है? नहीं, धमकी मिले बात अलग है, लॉरेंस बिश्नोई से मिले, किसी मिले मिली है धमकी, पर धमकी से मैं नहीं डरता हूँ। मैं इस बात को कहता हूँ, मोदी जी ने जो कहा वो नहीं किया, मैंने कह दिया है और ये होगा। हर स्थिति में संसद में भी विचार होगा, राज्यसभा में विचार होगा। यानी कि अब हिंदू राजनीति करेंगे आप? नहीं, इलेक्शन लड़ने नहीं। वाले जो भी मैं सेकुलर की बात करता हूँ, सेकुलर चुनाव, मुझे मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ। संसद संसद की कुर्सी सेकुलर सेकुलर संसद में कुर्सी बना जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। कुर्सी पाना चाहते हैं? नहीं नहीं पिटिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र हो गया, अब जिसे जो करना हो बिगाड़ो, बिगाड़ सकते हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी कानून हो, परंतु हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा कर सकते हो, सबका साथ सबका विकास। उदयपुर की घटना से आप दुखी है? बिल्कुल दुखी है, इसमें कोई शंका नहीं है। हिंदू राष्ट्र लखनऊ में, हिंदू राष्ट्र मुसलमान सुरक्षित रहता है, मुस्लिम शासन में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इतिहास गवाह है। राजस्थान में मेघवाल को मूंछ रखने पे काट दिया गया, वो हिंदू नहीं था? गलत किया, मैं उसका विरोध करता हूँ। आपने कब विरोध किया? मैंने किया विरोध, यहीं पर आज में ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, किसी के पास न्याय नहीं रहेगा, सब न्याय से न्याय करेगी। मोदी जी के हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदू राष्ट्र होगा, मोदी जी का हिंदू राष्ट्र नहीं, मोदी जी हिंदू ही नहीं है। मोदी जी हिंदू नहीं है? मोदी जी हिंदू नहीं है बाबा जी। हाँ जी, वो केवल पाकिस्तान के और मुसलमानों की राजनीति कर हिंदू होने का। हाँ मैं दे रहा हूँ, हाँ मैं बिल्कुल सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कट्टरता का विरोध कर रहा हूँ, हिंदू का मुसलमान का कोई भी हो, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। बाबा मुसलमान कहाँ रहेंगे हिंदू राष्ट्र में? भारत में रहेंगे और सब सुरक्षित रहेंगे, अच्छी प्रकार से रहेंगे, कानून सबके लिए बराबर होगा। तो नहीं मानेंगे ना कि हम हिंदू राष्ट्र में? मैं क्यों नहीं मानेंगे, सब मानेंगे। यदि हिंदू राष्ट्र में नहीं तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र दे दिया, वहाँ चले जाइए, जिन्हें पाकिस्तान पसंद हो, परंतु जो हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदू राष्ट्र में संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी संविधान में चेंजिंग होगी, जयपुर जैसी घटना, जैसे उदयपुर की घटना हुई है, पटना में गजवाए हिंद की बात कही है, घोषणा की है कि 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, इससे भयभीत होकर के, इससे डरते हुए हमने एक कदम उठाया है, नहीं तो हम एक कदम नहीं उठाते। संविधान चेंज कैसा होगा? करेंगे, संशोधन होगा हर तरीके से। कैसे संशोधन? राज्यसभा और लोकसभा में भी इसका संशोधन होगा। तो वहाँ तो आपने चुनाव लड़ते ना आपके? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लोग काफी बैठे हुए हैं वहाँ पर। संविधान को नहीं मानते हैं? आपके संविधान को मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर संशोधन होना चाहिए। क्या संशोधन चाहते? जो हम चाहेंगे वो संशोधन होगा। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? नहीं, मनुस्मृति बिल्कुल लागू नहीं होगी। आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं कौन, ये बताइए? मैं एक आम नागरिक हूँ और एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरा अधिकार है अपनी बात कहना, देश माने ना माने। मांग रख सकते हैं आप तो घोषित? मैंने तो घोषित किया है कि मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास पूर्ण बहुमत है, अच्छी प्रकार से सब लोग मेरी बात की विचारधारा को मानते हैं। आपके पास इतने लोग होते थे, आप इलेक्शन हार क्यों जाते हैं? मैं इलेक्शन अब नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन का समर्थन किया
दिया था समाजवादी पार्टी को, पर वो विषय नहीं है। विषय ये है कि देश के अंदर शांति होनी चाहिए, हिंदू के नाम पर या मुसलमान के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसावादी भारत छोड़े। आप जिस तरह की बात करते हैं इस तरह में लगता है कि आप शांत होगा देश, मतलब देश शांत बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम उनके जो कि सुरक्षा की और हर तरह के सम्मान की जो कि पूरा अच्छी प्रकार से पूरा वो रखेंगे और सम्मान देंगे। यहाँ पे आने का क्या मकसद है? मेरा आज यही घोषणा करना था कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। आप घोषित कर रहे हैं, आप घोषित करने वाले कौन? मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूँ और हिंदू सेना पूरे देश के अंतर्गत में क्या पदाधिकार है आप विधानसभा? मैं उसका, मैं हिंदू सेना का आम पब्लिक का जो की पदाधिकारी। आपको जितना जानते, सुनिए, जानते नहीं जानते हैं जो कहते हैं वो कहिए, परंतु मैंने कर दिया है। मैंने जो कर दिया है वो कर दिया है और ये रहेगा। संविधान लागू 1 जनवरी से हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। आप किस मुसलमान से नफरत करते हैं? मैं किसी से भी नफरत नहीं करता। तो कह रहे हैं जो मुसलमानों से, कट्टरों से नफरत करता हूँ, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब धर्म में मैं कह रहा हूँ, सब धर्म में जो कट्टर है कट्टरों से मैं जो कि नफरत करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं कट्टर नहीं हूँ, मैंने कहा हिंसावादी भारत छोड़ो। नहीं तो आप खुद कट्टर, मैं कट्टर बिल्कुल नहीं। उनकी संविधान की बात करते हैं, अगर उदयपुर में गलत हुआ है तो संविधान कानून का रास्ता अपनाते, आप कौन है हिंदू राष्ट्र? मैं ये कहना चाहता हूँ आतंकवाद की जड़ समाप्त होनी चाहिए। मैंने आतंकवाद की जड़ समाप्त करने की बात कही है, जहाँ से आतंकवाद पैदा हुआ है वो कौन लोग हैं? वो आतंकवादी हैं, उनको समाप्त करना चाहिए, उसमें कोई, मैं उनका समर्थन नहीं करता। अभी हमने बात की संत युवराज जी से, जो अपनी ही बातों से पलटते हुए नजर आए, कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कभी मुस्लिम और दलितों के साथ खड़े हो जाते हैं। एक बार ये अपने चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब ये दो तरफा चाल जो है वो चल रहे हैं। कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषित करते हैं, कभी गौ माता राष्ट्रीय माता बनाते हैं गऊ को, तो कभी मुस्लिम के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो कभी दलित के साथ हो जाते हैं, लेकिन इनका मुद्दा जो है वो समझ नहीं आ रहा। हिंदू राष्ट्र की मांग रखते हैं लेकिन मोदी जी की बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बाबा जी, संत बाबा युवराज जी का जो मकसद है वो समझ में ही नहीं आता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं और क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। ये आप सामने बैनर देख सकते हैं, हिंदू सेना का ये बैनर लगा हुआ है सामने, भारतीय जन जागृति पार्टी हिंसावादी विचारधारा इसका विरोध कर रहे हैं। हिंसावादी भारत छोड़ो, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, ऐसा इनके बैनरों में लिखा हुआ है। संत युवराज BJJP राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्थक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सामने आप देख सकते हैं संत युवराज जी हिंदू सेना के प्रमुख भी रहे हैं और हिंसावादी विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। इनके जो मांग थी वो ये बता रहे हैं कि हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और साथ में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, भारत में जनसंख्या कानून जल्दी लाया जाए, इस तरीके के पॉइंट हैं। लव जिहाद जैसा जो आप देखिए, लव जिहाद को मुंह तोड़ जवाब देगी हिंदू सेना। सोचिए, लव जिहाद जैसा जो शब्द डिक्शनरी और किताबों में भी नहीं है, वो लव जिहाद जैसे पोस्टरों में शब्द आ जाते हैं। लेकिन संत युवराज जी से जब हम बात कर रहे हैं तो वो हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने के साथ साथ जब हम उनसे पूछते हैं दलित और मुस्लिम को कहाँ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं दलित और पीड़ितों के साथ हूँ, मुस्लिमों के साथ हूँ, क्योंकि बाबा जी जो है चुनाव हार गए थे, अब उनकी विचारधारा जो है समझ से बाहर है, उनकी विचारधारा जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं। कई हमने सवाल किए, कई सवाल उठाए, लेकिन बाबा जी बता नहीं पाए। अब सोचिए कि गऊ माता, जिस गऊ माता की ये राष्ट्रीय माता बनाने की बात कर रहे हैं, वही गऊ माता को आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरीके से कचरा घरों में गऊ माता लगातार वहाँ पर कचरा खा रही होती हैं, लेकिन गऊ को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात की जा रही है। लेकिन गऊ गौशाला में, आप उत्तर प्रदेश में गौशाला में आप जाके देखिए तो गऊ के इतने बुरे हाल हैं कि आप गऊ राष्ट्रीय माता की जो बात कर रहे हैं तो उसका साक्षात रूप आप देख सकेंगे। और वहीं लव जिहाद जैसे शब्दों का जो डिक्शनरी में काम नहीं है, किताबों में नाम नहीं है, उस जैसी लाइनों का यहाँ पे, चंद लाइनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। आप सोचिए, हिंदू राष्ट्र जो कि बन चुका है, बाबा जी अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी भी बताते हैं और लगातार जो है अपने बातों से मुंह भी फेर लेते हैं, लेकिन बाबा जी का मकसद जो है क्लियर होता हुआ नजर नहीं आता। इसके साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।